अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी जो है हम शहर के अंदर है, अपने अपार्टमेंट के अंदर है। तो अब ये जो शहर यहाँ का अल्बेनिया का, तो चलें उसको चल के एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक मैं अपार्टमेंट में बैठा हुआ क्या करूँगा। सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ अपनी एडिटिंग और अपनी दूसरी चीज़ें कर रहा था, तो अब जो है यहाँ पे दोपहर के जो है आई थिंक 2:30 बज चुके हैं, डेढ़ बज रहा है। और आई थिंक लेट्स गो एक्सप्लोर द टाउन, टाउन चल के देखते हैं कैसा है। मैं रेडी तो हो चुका हूँ, तो लेट्स गो एक्सप्लोर द टाउन, एक्सप्लोर देखते हैं कि भाई यहाँ पे इनकी लाइफ क्या है दोपहर की। फिर शाम तक जो है वापसी आ जाएंगे और फिर जो है कल मुझे वैसे ही निकलना है। तो दो चीज़ें करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से निकलने के बाद जो है कहीं कॉफ़ी वगैरह जो है वो लेते हैं, कैपेचिनो वगैरह पीते हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ खाने पीने का भी कर लूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, निकल गया था। फिर वहाँ से मैं जो था आ गया अपार्टमेंट पे। अपार्टमेंट पे आने के बाद जो था मैंने बेसिकली, चले भाई क्लोज हो जाए डोर। अपार्टमेंट में आने के बाद जो है मुझे डेटा सर्टन ट्रांसफर करना था, वो करा और उसके अंदर लगा हुआ था। अब जो है नहा धो के तैयार होके जो है लेट्स गो एक्सप्लोर द सिटी। तो सबसे पहले चलते हैं, लेते हैं कैपेचिनो, तो लेट्स हैव सम कॉफी, फिर उसके बाद ताकि मेरे अंदर भी एनर्जी आए, बूस्ट अप और देन अच्छा जी कैपेचिनो की शॉप के ऊपर तो आ गए। तो अब यहाँ पे कैपेचिनो वगैरह पी के देन विल गो एक्सप्लोर द सिटी, सिटी देखते हैं कैसी है। तो कैपेचिनो का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे बंदा जो है उसको हम बोल चुके हैं। यहाँ पे मैंने कल जो था सोडा कन्वर्ट करवा दिए थे इनके करेंसी के अंदर, थिंक लेक कहते हैं, LEK। तो रेट मुझे थोड़ा सा स्लाइटली आई थिंक 2 लेक कम मिला, मगर वेस्टर्न यूनियन से मैंने करवा दिया था। चले यार कहाँ करें, मुझे चाहिए लाजमी। तो खैर उसके सिलसिले के अंदर जो था ना, मैंने अपने वो करवा के फिर इधर आ गया था, तो अपने रूम के अंदर। अब जो है हमने बोला चले इस टाइम टू एक्सप्लोर द सिटी, तो पहले कैपेचिनो पीते, तो चलो इन्जॉय करते हैं इधर की कैपेचिनो, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। उम्मीद करता हूँ इनका भी, जैसे मॉन्टेनेग्रो वगैरह के टेस्ट जो थे वो अच्छे थे, उम्मीद करता हूँ इनके भी अच्छे होंगे। तो लेट्स गो चेक इट आउट। अच्छा जी, पानी भी आ गया है और कैपेचिनो भी आ गई है, तो हम कैपेचिनो को टेस्ट करते हैं इनका। तो यार मैं, मुझे ना शुगर के बगैर कैपेचिनो पसंद नहीं है, मुझे शुगर चाहिए होती है। बाद लोग होते हैं जिनको अच्छी नहीं लगती, मगर कम से कम एक शुगर उसके अंदर हो, स्लाइटली मिठास आ जाती है, ज़िंदगी के अंदर मिठास होना लाजमी है। तो कैपेचिनो आ गई है, तो हम जो है इनकी कैपेचिनो को ना टेस्ट तो अच्छी लग रही है, लेट्स टेस्ट। यार अच्छी है, ज़बरदस्त। तो चले मैं ये कैपेचिनो वगैरह पीता हूँ, फिर यहाँ से जब आगे निकलेंगे तो आपको और दिखाते हैं, आपको भी बताऊँगा कि कितने की मुझे पड़ी यहाँ में डॉलर वर्सेस यूरोन की करेंसी है, तो वो भी अपडेट आपको करता हूँ मैं। तो लेट्स गो देखते हैं और क्या है। यार ये बार बार फ्लिप हो जाता है ना माइक का ये, तो खैर अभी चले मैं ये इन्जॉय करता हूँ, फिर उसके बाद आपको और दिखाते हैं सिटी। चले यार कॉफ़ी जो थी वो तो अच्छी थी, कैपेचिनो हो गई। अब इसको पैसे देते हैं, पता कर लेते हैं कितने की, तो लेट्स गो फ्रॉम दैट। How much is the cappuccino? 102. 102, 120? Yes. Okay. कुछ मुझे जुमा बाजार और हफ्ता बाजार की यहाँ पे याद दिला रही है। उस दोस्त के लिए आप यहाँ पे गिफ्ट खरीद सकते हैं, जिसको आपके आपको गिफ्ट नहीं खरीदना, सस्ते में ले लें, टिकाऊ में ले लें, काम भी चल जाएगा, वो भी खुश, आपका भी काम हो गया। क्या बात है, हटो बच्चों सीन होने वाला है भी यहाँ से, जबरदस्त। तो चलें आगे देखते हैं। अच्छा जी, अभी चल के आया था यहाँ पे, एक हलाल रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने सोचा कि चले कुछ खाने का कर लूँ, क्योंकि नाश्ता तो करा नहीं था। तो अब जो है पानी जिंदाबाद, फांटा जिंदाबाद और डोनर कबाब है रैप वो लिया है, तो उसको टेस्ट करते हैं कि अल्बेनिया कैसा है इस वक्त। तो जो मुझे, मैंने आपको रेकमेंड भी करा था फ्रांस के अंदर, वो वन ऑफ द बेस्ट रायट डोनर के लिए
तो इनका भी टेस्ट करते हैं। ये कोई एली पिज्जा करके है यहाँ पे, तो आई मीन हर चीज अफोर्डेबल है। मुझे एक स्प्रे चाहिए था, बॉडी स्प्रे, वो मुझे मिल गया 500 लाख के अंदर। 500 लाख बोल रहा हूँ, 500 लाख नहीं है वो, 500 लाख की दर की करेंसी है, जो कि रफली बनती है $5। तो $5 बनता है, तो वो मुझे मिल गया। कंपेयर टू यूएस स्लाइटली ये चीज़ मुझे, क्योंकि इम्पोर्ट हुई भी इधर यूएस से, तो महंगी थी, मगर ओवरऑल जो है सही है, ठीक है। इतने का ही आपको एवरेज में पड़ता है। तो खैर, तो चले जी आता है, टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अच्छा जी, खाने को तो आ चुका है, दोनों कबाब है, तो अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं क्या है, ये अच्छा है कि नहीं है। शिकल से तो अच्छा लग रहा है भाई। हाँ, ना बैड, अच्छा है, और मजा है, मजे का, डेफिनेटली वर्थ इट। यार ये तो यहाँ का मुझे जैसे लंडा बाजार टाइप का नहीं होता वो लग रहा है। यार ये अच्छा है, इन्होंने यहाँ पे ये फ्री वाईफाई जोन बनाया हुआ है विद इन दैट रेडियस, अगर किसी को इमरजेंसी है कुछ है तो वो अपना जो है इधर आके वाईफाई कनेक्ट कर सकता है, जैसे मैं भी करने वाला हूँ, और वो यूटिलाइज कर सकता है। 100 meters का डिफरेंस रखा हुआ उन्होंने रेडियस के अंदर, तो विच इज़ वेरी नाइस। सिटी की ओवरऑल फील जो है आपके सामने है, इट्स अमेजिंग है, अच्छी अच्छा शहर है, आई थिंक अंडररेटेड है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस सिटी के लिए सीन ये है कि ये ज़्यादातर मशहूर इस वजह से भी है कि ऑफकोर्स एक तो इनकी मेन सिटी है, दूसरी इधर का ये है कि यहाँ पे जितने भी बाइकर्स आते हैं उनको अगर अल्बेनियन एल्प्स करने तो ये उनका स्टॉप पॉइंट होता है, तो उसकी वजह से भी गहमा गहमी रहती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग मैं जो देख रहा हूँ वो बाइसिकल्स वगैरह लोकल जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं ताकि उनके लिए ट्रैवलिंग इजी हो जाए। मैं तो पैदल चल रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ मेरे को यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि गोप्रो की मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, अगर यहाँ पे मिल गई ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना मुझे तुर्की से ही लेना पड़ेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं तो सर्च कर रहा हूँ कि शायद वो मुझे मिल जाए अडैप्टर एक, तो चले देखते हैं मिल जाए तो। हम चलते हुए जा रहे थे तो यहाँ पे ये मस्जिद भी नज़र आई एक, तो जबरदस्त किस्म की लग रही है यार, ग्रेट आर्किटेक्ट वर्क, तो माशाल्लाह। चले अंदर चल के इसको देख लेते हैं। मस्जिद तो अंदर से जबरदस्त बनी हुई है, माशाल्लाह यार, मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है अंदर से। बराबर में आप ये देख सकते हैं, आप मेंबर भी है, आई थिंक लेडीज का जो है वो इन्होंने ऊपर रखा हुआ है सेक्शन, क्योंकि मुझे एक साइन देखा था। तो जबरदस्त किस्म की मस्जिद बनी हुई है, तो अब जो है यहाँ से मैं निकलता हूँ, मैं ज़रा दो रकात पढ़ लूँ और फिर मैं यहाँ से निकलता है, लेट्स गो। और इसी मस्जिद के राइट अक्रॉस एक पार्क भी बना हुआ है, जो कि आई गेस इन लोगों के लिए एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट या गेट टुगेदर का या सेट अराउंड का या पास टाइम के लिए जो है ना इस्तेमाल करते होंगे ये लोग, तो डेफिनेटली वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जो पार्क जो मैं आपको बता रहा था, आई गेस इट इज पास टाइम के लिए अच्छा माहौल है इधर, जबरदस्त है आई गेस। ओ यार, छांव के अंदर जो हवा आती है ना जब गर्म जगह से आप निकलते हो, बहुत ज़बरदस्त फील होती है। तो ये आई गेस इन्होंने एक शहर के लिए या सीनियर्स के लिए जो है वो एक बैठने की जगह बनाई भी है, विच इज़ वेरी नाइस। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए कपल्स वगैरह भी हैं, बुजुर्ग वगैरह भी हैं, तो आते हैं। यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे एक तुर्किश मॉन्यूमेंट बना हुआ यहाँ पे नज़र आया, जिसके ऊपर तुर्किश फ्लैग भी है,
ये कोई हसन रजा पाशा उसके बारे में है, मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और मैं जो है ना वीडियो के अंदर डेफिनेटली इसके बारे में कुछ देखूँगा। तो ये आई थिंक 1912-1913 का कुछ लिखा हुआ है। और अच्छा जी, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है हसन रजा पाशा का 1871-1913 करके कुछ है। अब ये है क्या एग्जैक्टली मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि मैं खुद जो है पहली बार ये जगह देख रहा हूँ, तो इतनी मेरे पास रिसर्च नहीं है। मगर ओवरऑल जगह बड़ी पीसफुल है, इंजॉयबल है, जो कि आप देख सकते हैं फाउंटेंस वगैरह वहाँ पे बने हुए हैं। इस साइड के ऊपर ये एक और मॉन्यूमेंट बना हुआ है जिसके अंदर आपको ये बेसिकली दिखा रहा है कि क्या नाम है, जो आई गेस अल्बेनियन हार्डवर्क था उसके बारे में। तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं। इस सिटी में फिरने के बाद एक चीज़ तो मैंने रियलाइज़ कर ली, वेरी पीसफुल, वेरी सेफ और बहुत शानदार है। बहुत अंडररेटेड सिटी है अल्बेनिया की। आई थिंक इट्स कम्प्लीटली वर्थ कि यहाँ पे आया जाए, इसे एक्सप्लोर करा जाए। और इधर से अल्प्स जो है ना वो बहुत ही करीब है, लिटरली 45 मिनट्स की राइड है यहाँ से चेत नेशनल पार्क की और दूसरे नेशनल पार्क की। तो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए आपको, इधर देखना चाहिए। अल्बेनिया इटसेल्फ यार बहुत खूबसूरत है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आज, काफ़ी दिनों के बाद मोटरसाइकिल से हट के थोड़ा सा आज जो है मैं ना पैदल भी चल रहा हूँ, तो उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना यहाँ पे फीलिंग है और एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा है यार, मैं आपको बता नहीं सकता। ठंडा मौसम हुआ है छाँव के अंदर और जो हवा आ रही है वो और भी मज़े की। हटो बच्चो, तो चलें अब यहाँ से चलते हैं आगे देखते हैं। Too many days in the darkness without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes, every part of you wants to surrender, but darling you were meant to survive. अच्छा मैं चलता हुआ जा रहा था तो मैंने यहाँ पे देखा इधर एक और ये मस्जिद थी, बड़ी खूबसूरत किस्म की मस्जिद बनी हुई आप मेरे पीछे देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब कैसे हो सकता था कि मैं इधर आया हूँ इस मस्जिद के अंदर का नहीं देखते यार, ये इसके अंदर मुझे कम्प्लीटली तुर्किश फीलिंग आ रही है जिस तरीके की कंस्ट्रक्ट हुई हुई है। तो चले मैं आपको इनसाइड से दिखाता हूँ। मस्जिद बहुत प्यारी बनी हुई है, आपको पीछे जो है वो खुलफा राजदीन के नाम भी लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, मगर ये जो इसका जो डोम बना हुआ है बहुत आला है। इसके अंदर मुझे जिस तरीके की आपकी टर्किश फीलिंग होती है ना मस्जिद के अंदर, इनके मेहराब से लेके अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो मेंबर तक को आप देखते हैं ना, तो वो आपको टर्किश की वो फील आती है डेफिनेटली। आई थिंक यहाँ पर अभी भी जो है वो ऑटोमन का जो इन्फ्लुएंस है आपको बाकी नजर आ रहा है उनका, तो डेफिनेटली बर्थडे है। तो आई मीन चले आप यहां से निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहां से हम वापसी चलते हैं। ये पीछे का साइड है वो बहुत आला माशाल्लाह से गार्डन बना हुआ फ्रंट में मस्जिद के, विच इज वेरी नाइस। अभी आए थे इधर डिनर के लिए तो मैंने सोचा यार काफी दिन हो गए अब पिज्जा भी ट्राई कर लेते, तो पिज्जा हमारा आ गया है यहाँ पे,
तो पिज्जा खा रहे हैं और ये यहाँ पे जो बेसिकली है, आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे फुल स्ट्रीट है बेसिकली, पूरा ब्लॉक के ऊपर जो है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह है, और सामने ही मेरी मस्तानी खड़ी हुई बिल्कुल सामने यहाँ पे। तो अब जो है हम ये खा के यहाँ से फिर चलेंगे अपने अपार्टमेंट जो करा हुआ है वो, और फिर सुबह जो है एक जबरदस्त प्लान है तो वो आपको दिखाते हैं। तो चलें अब खाना खाता हूँ। इस टाइम पे यहाँ पे सिचुएशन तो चेक कर, ये पूरी स्ट्रीट है जो कि फूड स्ट्रीट है ना, तो यहाँ पे बैठा हुआ था अभी खाना खत्म करा है, लाइक सामने ही है, मतलब चल तुझे भी दिखा देते हैं।